हेलो दोस्तों, आईएएस फर्स्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपीपीएससी 2019 प्रीलिम फोकस क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने चार पार्ट अपलोड कर दिए हैं और यह हमारा पांचवा पार्ट है। तो अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से आपकी दक्षता यानी एफिशिएंसी और बढ़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला देश है जिसने हाल ही में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाया है। दोस्तों, अगर हाल ही की बात किया जाए तो हाल ही में तो इंडिया ने भी लगाया है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इंडिया पे मारेंगे। लेकिन अगर पहला देश पूछा जा रहा है तो जो पहला देश है वह है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। दोस्तों याद रखना, बांग्लादेश पहला देश है जिसने सिंगल यूज प्लास्टिक बैग पर बैन लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूके इंडिया अवार्ड्स 2019 के तहत ग्लोबल आइकन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है। तो दोस्तों यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कुणाल नैयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 जून 2019 को भारत में मनाया गया सांख्यिकी दिवस 2019 का विषय क्या था। दोस्तों यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर नोट कर लीजिए। और इसका आंसर है ऑप्शन बी, सतत विकास लक्ष्य, SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि 2030 तक का रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इम्प्रेस्ड नामक एक कछुआ किस राज्य में खोजा गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में। यह भी इम्पॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 जुलाई 2019 को किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर यह घोषणा की है कि सभी प्रकार के सरकारी संवादों में अदर जेंडर या थर्ड जेंडर के स्थान पर केवल ट्रांसजेंडर शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको नहीं भी आता हो तो इतना याद रखने का कि यह जो क्वेश्चन ऐसे जो भी आते हैं, चाहे महिलाओं से रिलेटेड हो, चाहे वो सोशल वेलफेयर से रिलेटेड, नॉर्मली केरला सबसे आगे होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रतिष्ठित आईफा अवार्ड्स 2019 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, नेपाल। तो 2019 का जो आईफा अवार्ड है वो नेपाल में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 के वनडे क्रिकेट में 1000 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के किस विभाग द्वारा त्रिनेत्र तकनीक का परीक्षण किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, त्रिनेत्र तकनीक किस विभाग द्वारा किया जा रहा है परीक्षण। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, भारतीय रेलवे विभाग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2019 को पाकिस्तान ने देश के जेलों में बंद कितने भारतीय कैदियों की सूची भारतीय उच्चायोग को सौंपी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 261। यह भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम सरकार की तर्ज पर किस राज्य सरकार ने भी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC तैयार करने का निर्णय लिया है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है, इसका आंसर है ऑप्शन सी, नागालैंड। नागालैंड ने भी असम के तर्ज पर NRC तैयार करने का निर्णय लिया है। इसमें भी दो क्वेश्चन है, UPPCS या MPPCS में भी पूछे जा सकते हैं कि पहला राज्य कौन सा है जिसने NRC लागू किया है। तो ये तो सबको पता है, असम है। लेकिन फिर भी ऐसे क्वेश्चन, एक आ सिंपल क्वेश्चन पूछती है आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले कितनी स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की गई है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वह 6 स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध हो सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलैंड में पोंजनॉन एथलेटिक्स ग्रां प्री में महिलाओं की कितने मीटर दौड़ में हीमा दास ने गोल्ड मेडल जीता है। हीमा दास काफ़ी न्यूज़ में रही हैं पिछले 1-2 सालों में। तो याद रखना, हीमा दास ने जो गोल्ड मेडल जीता है वह 200 मीटर रेस में जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी सीनेट ने हाल ही में किस देश को नाटो सहयोगी देश जैसा दर्जा देने के लिए एक विधेयक को पारित किया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, भारत। दोस्तों यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UPPCS या दूसरे जो भी PCS एग्जाम है उसमें पूछे जाने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के नव निर्वाचित सांसद सनी देओल ने किसे अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, गुरप्रीत पलहेड़ी। दोस्तों ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि
हमने आज तक अपने जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी उसमें सांसद को जो भी चुने हैं तो सांसद कार्य करता है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही देखने को मिला है कि सनी देओल ने अपना एक प्रतिनिधि रखा है जो एक्टिंग एमपी के तौर पर काम करेगा। लोग गुरप्रीत पलेड़ी के पास जाकर शिकायत बताएंगे, अपनी दुविधा है उसे सुनाएंगे और वो फिर सनी देओल को बताएंगे। तो ये अपने आप में अलग ही तरह का कदम है और इसलिए यह पूछा गया है और पीसीएस एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय टीम का कौन सा खिलाड़ी वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज 5 सेंचुरी लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल डॉक्टर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोविंगली, इनमें से किन की आत्मकथा है? तो दोस्तों जैसा कि आप अगर पिछले 2-3 साल के चलन देखेंगे यूपीपीसीएस के, तो उसमें ऐसे एकाध बुक्स के लेखकों के बारे में पूछा जाता है। तो याद रखना ये बड़ी हस्ती का है इसलिए पूछा जा सकता है और इसका आंसर ऑप्शन बी, अनुपम खेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व भर में विलुप्त हो चुकी लंगूर की एक प्रजाति चंबा सेक्रेड लंगूर किस राज्य में फिर से पाई गई है? दोस्तों अगर आपको इसका आंसर नहीं भी आता हो तो अगर आप चंबा को रिलेट कर सके मैप में कि चंबा कहाँ पे स्थित है तो उससे भी आप आंसर बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वह ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2026 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी ने किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ मिलकर क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में वन डे फॉर चिल्ड्रेन नामक अभियान का आयोजन करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यूनिसेफ। दोस्तों याद रखना यूनिसेफ बच्चों से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम कार्यक्रम तैयार करती है, चलाती है, तो इसलिए यह भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पंकज अडवाणी ने 35वीं पुरुष एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप में किस देश के थनावट तिरपोंग पैबून को पराजित कर खिताब जीत लिया है? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसमें 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो 35वीं पुरुष एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप के विजेता कौन रहे हैं? तो आंसर होगा पंकज अडवाणी। दूसरा पूछ सकता है, जैसे पिछले साल यूपीपीसीएस में कैसे पूछा गया था, डायरेक्ट विनर का नहीं पूछा था जो कि फाइनलिस्ट का पूछा था। जैसे कोई स्पोर्ट्स ले लो, चाहे क्रिकेट ले लो, तो क्रिकेट वर्ल्ड कप का अगर पूछ सकता है कि हम सबको पता है इंग्लैंड 2019 का वर्ल्ड कप जीता है, लेकिन पिछले वर्ष यूपीपीसीएस ने किस तरह से पूछा था कि इंग्लैंड जो विजेता रही है उन्होंने किस देश को हराकर वर्ल्ड कप जीता है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकती है जो कि रनर अप के बारे में पूछ सकती है, विनर के बारे में नहीं। तो यह भी आप याद रखना, जो रनर अप है वह थनावत तिरपोंग पैबून है और ये किस देश के हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, थाईलैंड। तो ये थाईलैंड के प्लेयर हैं थनावत तिरपोंग पैबून, जिनको हराकर पंकज अडवाणी ने ये चैंपियनशिप जीता है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में किन 2 देशों के बीच संयुक्त अभ्यास गरुण 6 शुरू हुआ है? तो गरुण जो अभ्यास है वह ऑप्शन बी, भारत और फ्रांस के बीच में होता है। दोस्तों एक और बताइए, गरुड़ शक्ति जो अभ्यास है वह किन देशों के बीच में होता है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज का ये जो लेक्चर है हम यहीं समाप्त करते हैं। होप्स आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें ताकि लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू।